अमेरिका के कैलिफोर्निया, ओरेगन और वाशिंगटन में जंगल में लगी आग से लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। सैन फ्रांसिस्को सहित पूरा वेस्ट कोस्ट धुएं की चादर में लिपट गया है। इस आपदा के चलते लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई जगहों पर धुएं की वजह से आसमान का रंग नीले से बदलकर नारंगी हो गया है। सेंट्रल नेपाल के 3 गांव में देर रात 2:30 बजे हुई भूस्खलन की घटना में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 22 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इन सभी इलाकों में पूरी रात भारी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से यह घटना घटी। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 2,91,80,905 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 9,28,265 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,10,26,766 लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 48 लाख के पार पहुंच गया है। 24 घंटे के भीतर 93,215 लोग संक्रमित पाए गए। इसी के साथ मरीजों की संख्या अब 48,45,302 हो गई है। इनमें 37,77,044 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना संकट के बीच आज से शुरू होकर मॉनसून सत्र 18 दिनों तक चलेगा। संसद सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी की है। विपक्ष कोरोना संकट से लेकर देश की गिरती अर्थव्यवस्था, भारत चीन सीमा तनाव, बेरोजगारी, GST में राज्यों की हिस्सेदारी सहित किसानों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगा। वहीं किसान संगठन संसद से बाहर सड़क पर सरकार को घेरने के लिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। इसकी शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज गौतम बुद्ध नगर के छपरौली ग्राम से की। BJP हर साल प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाती है। यह सेवा सप्ताह आज से 20 सितंबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता रक्तदान शिविर, वृद्धजनों के बीच फल वितरण के साथ ही अन्य सेवा के काम करते दिखाई देंगे। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में फरवरी 23 से 26 तक दंगा दहक उठा था। इस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 550 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी UAPA के तहत हुई है। खालिद से पहले भी स्पेशल सेल पूछताछ कर चुकी है। उमर खालिद की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ये छुरी योगेंद्र यादव, जयती घोष और अपूर्वानंद का नाम लेने के बाद उमर खालिद की गिरफ्तारी ने दिल्ली हिंसा की जांच में दिल्ली पुलिस के कुकृत्य को सामने ला दिया है। यह पुलिस द्वारा जांच की आड़ में शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं को फंसाने की साजिश है। अपना दफ्तर तोड़े जाने के 4 दिन बाद रविवार को कंगना रनौत महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने पहुंची। उनके साथ बहन रंगोली भी मौजूद थी। यह मुलाकात राज्य के CM उद्धव ठाकरे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के करीब 2 घंटे बाद हुई। राज्य की जनता को दिए गए अपने संबोधन में उद्धव ने कंगना का नाम लिए बगैर कहा कि राज्य में चल रही राजनीति पर वो अभी नहीं, बाद में बोलेंगे। उद्धव ने कहा कि उनकी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक साइक्लोन आते रहेंगे और वो उनका सामना करते रहेंगे। कंगना रनौत मामले को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को नशेड़ी बताते हुए राज्यपाल के साथ मुलाकात को लेकर हमला किया। उन्होंने कहा कि नशेड़ी कंगना रनौत से आज राज्यपाल मिले, गोदी मीडिया, भाजपा, IT सेल और भक्त सभी समर्थन कर रहे हैं। चोर, अपराधी और भ्रष्ट सभी का स्वागत, बशर्ते वो भाजपा का समर्थक हो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सावेर के अर्जुन बरोदा गांव में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। कमलनाथ ने कहा कि मैं प्रदेश की जनता से और सावेर की जनता से पूछना चाहता हूं कि वह बताएं कि क्या माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़कर मैंने कोई पाप किया? क्या मिलावट के खिलाफ युद्ध छेड़कर मैंने कोई गलती की? क्या लोगों को शुद्ध दूध पिलाकर मैंने कोई गलती की? क्या यह मेरा गुनाह है जो सौदेबाजी कर मेरी सरकार गिरा दी गई? क्या प्रदेश की पहचान माफियाओं से होगी, मिलावटखोरों से होगी? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 कोरोना रथ रवाना किए। यह रथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में कोविड के बारे में लोगों को ऑडियो वीडियो के जरिए जानकारी देंगे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए CM ने कहा कि लोगों से यह अपील है कि वो अपनी बीमारी को छुपाएं नहीं। कोरोना के मामले में जितना डीले करेंगे उतना नुकसान होगा। लक्षण नहीं है तो होम आइसोलेशन की अनुमति देंगे, दवा पहुंच जाएगी घर पर, और अगर लक्षण है तो डॉक्टर की सुविधा है, पर्याप्त बेड है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो हम उसी अनुपात व्यवस्था बढ़ाने की ओर काम कर रहे हैं।
राजधानी रायपुर में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से अव्यवस्था के मामले भी सामने आ रहे हैं। रविवार को सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ। यह वीडियो रायपुर के इंडोर स्टेडियम स्थित कोविड सेंटर का है। इस वीडियो में कोरोना संक्रमित ने बताया कि नाश्ते में मिला पोहा बदबूदार है, खाने योग्य नहीं है। जब लोगों ने विरोध किया तो उन्हें बिस्किट के पैकेट पकड़ाकर चलता कर दिया गया। वहीं रायपुर के इसी इंडोर स्टेडियम के कोविड सेंटर में जहां कोरोना संक्रमित के बेड हैं, वहां आवारा कुत्ता नजर आ रहा है। पड़ताल में पता चला कि रायपुर के एक मोहित नाम के फेसबुक यूजर ने इसे 22 अगस्त को पोस्ट किया था। पहले भी इसी सेंटर में अव्यवस्था, डॉक्टर ना मिलने जैसी शिकायतों के साथ वीडियो सामने आ चुके हैं। रायपुर शहर के मोवा इलाके में एक 49 साल का अधेड़ आरोपी पिछले एक साल से नाबालिग बच्ची को धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण करता आ रहा था। बच्ची गर्भवती हुई तब घर वालों को पता चला। पुलिस ने शनिवार देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद 2 बच्चों का पिता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी संतोष साहू मोवा इलाके में रहता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में झाड़ फूंक का झांसा देकर एक तांत्रिक लगातार किशोरी से दुष्कर्म करता था। वहीं घटना के बारे में किसी को ना बताने की धमकी देकर किशोरी को डराया करता था। रोज रोज की हरकतों से तंग आकर किशोरी ने परिजनों को सारी बात बता दी। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह अभिनेत्री कंगना रनौत बहन रंगोली के साथ मुंबई से मनाली के लिए रवाना हो गई। मनाली के लिए निकलने से पहले एक्ट्रेस ने 2 ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। पहले ट्वीट में कंगना ने कहा कि भारी मन से मुंबई छोड़ रही हूँ। लगातार गालियों और हमलों से इन दिनों मुझे आतंकित करने और चुनौतियों को खड़ा करने का प्रयास किया गया। अब मेरे ऑफिस के बाद मेरे घर को तोड़ने की कोशिश हो रही है। एक और ट्वीट में कंगना ने लिखा, जब रक्षक ही भक्षक होने का ऐलान कर रहे हैं, घड़ियाल बन लोकतंत्र का चीर हरण कर रहे हैं, मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक महिला को डराकर उसे नीचा दिखाकर अपनी इमेज को धूल कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के साथ चल रहा एक्ट्रेस कंगना रनौत का विवाद इन दिनों काफी चर्चा में है। एक्ट्रेस को देश भर के लोगों का समर्थन मिल रहा है। अब सूरत के कपड़ा व्यापारी भी कंगना के समर्थन में उतर आए हैं। सूरत को कपड़े के शहर के रूप में जाना जाता है, इसी वजह से वहां के व्यापारियों ने कंगना के समर्थन में मणिकर्णिका प्रिंट वाली साड़ी मार्केट में उतार दी है। मुंबई की भाईखला महिला जेल में बंद अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की जमानत को लेकर वकील सतीश मान शिंदे आज बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से निचली अदालत में 2 बार दोनों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इन दोनों के अलावा ड्रग्स केस में गिरफ्तार अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा भी जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली पहली बार पेरेंट्स बनने वाले हैं। दोनों ने कुछ समय पहले ही इसकी अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर की थी, जिसके बाद अब अनुष्का शर्मा ने पहली बार अपने बेबी बम की तस्वीर साझा करते हुए मां बनने के अपने खास विचार सामने रखे हैं। अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो समुद्र की लहरों के पास बेबी बम के साथ दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही मां बनने के अनुभव पर एक्ट्रेस ने लिखा, जीवन के निर्माण से ज्यादा वास्तविक और सुखद कुछ भी नहीं है। जब ये आपके कंट्रोल में नहीं है तो वाकई में क्या है।